दोस्तों, कल्कि का क्रेज देखकर प्रशांत नील कहते हैं, अब बाहुबली लौटकर आ रहे हैं और डायरेक्टर नाग अश्विन इस बार जो प्रभास को कल्कि अवतार में दिखाने वाले हैं, वो आज से पहले किसी भी मूवी में आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये मूवी बाहुबली 2 से भी ज्यादा खतरनाक है और इसकी बजट 600 करोड़ रखी गई है। इसका मतलब ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी साइंस फिक्शन वाली मूवी बनने वाली है। दोस्तों, इंडिया हो या फिर ओवरसीज, पूरी दुनिया में कल की मूवी नंबर 1 एक्शन मूवी बनेगी और ये एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्रिएट करेगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की हेल्प ली गई है और इसके VFX और CGI को बहुत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। और वहीं अगर हम कल की मूवी के बारे में बात करें तो ये एक एक्शन हीरो और एक नया यूनिवर्स दिखाने वाली मूवी होने वाली है, जिसमें प्रभास को एक सुपर एक्शन हीरो के अवतार में दिखाया जाएगा। और एक्शन के मामले में कल की मूवी सबसे ज्यादा खतरनाक मूवी होने वाली है और इसके एक्शन सीक्वेंसेस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है। इसमें हैवी बजट इस्तेमाल हुई है और इसको हॉलीवुड की मूवी मार्वल और DC से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और पूरी दुनिया में कल की मूवी एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। दोस्तों, सच बताना, आप May 9 का कितना इंतजार कर रहे हो? कमेंट में लाजमी लिखना और प्रभास के सच्चे फ्रेंड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि कल की मूवी की अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सलार मूवी के बाद प्रभास का स्टारडम काफी बड़ा बन गया है और वहीं कल की मूवी में अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी आ रहे हैं। उसी के साथ प्रभास भी एक बहुत ही अच्छा कल की अवतार लेकर आएंगे, तो सोचो कितना बड़ा बवंडर आने वाला है। और इस मूवी का क्रेज कल की से और बाहुबली से मिलता जुलता है और इस बार पूरी दुनिया में इस मूवी को नेक्स्ट लेवल प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब नाग अश्विन अपनी मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, कल की मूवी कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है? अपनी राय कमेंट में लाजमी लिखना। और अगर आप बाहुबली प्रभास के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शाहरुख खान की और प्रभास की अपकमिंग मूवी के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।